प्लान कर रहे हैं भाई जाने का, कहाँ जाने का, वाटरफॉल के पास। चलो मज़े लेते हैं, चलो मज़े ले लेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे हो गए। और भाई आज मौसम भाई बहुत ही प्यारा हो गया, दो तीन दिन से मतलब एक हफ्ते से बारिश का कोई रीजन नहीं था, इतनी गर्मी पड़ रही थी, हालत खराब थी। चेक कर रहा हूँ मौसम, ये देखो भाई, और नीचे डाल भी गिर चुकी है इसके, दिखा दे रहा हूँ वो देखो भाई। तो भाई बारिश रात में इतनी बिकट हो रही थी ना भाई, तो मैं उठ गया था भाई, 4 बजे बारिश हो रही थी। तो फिर अभी फ़िलहाल फटाफट चलते हैं और मिलवाते एक नए इंसान से, और नए राइडर से। तो उसने भाई ने फ़ोन किया था अपनी, मतलब कि कल ही बात हुई थी हमारी, तो लेकिन 6 बजे बोला था, लेकिन भाई रात में बारिश होगी और हम लेट हो गए, तो फटाफट चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यही चलते हैं भाई। सो भाई अभी अपना मॉन्स्टर भाई कोल्ड स्टार्ट हो गया, और भाई कोल्ड स्टार्ट होने के बाद क्या ही दौड़ता है, तो धूल थोड़ी पड़ेगी है, बॉटम साफ कर लेते हैं। कल ही मैंने बाइक वॉश की थी और आज इसकी हालत क्या होने वाली है आप समझ सकते हो, क्योंकि भाई कल रात में बहुत ही तेज़ वाली बारिश हुई थी भाई। भाई साहब चारों तरफ पानी पानी हो गया, देख रहे हो, ये तो गर्मी इतनी पड़ रही थी इसमें कुछ जहाँ मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश हुई है, देखो फिर भी गीला हो रखा है। और पेड़ देखो यार, पेड़ बहुत सारे गिरे हैं इस बार, क्योंकि आंधी कल इतनी तेज थी, पता है 80 गिरफ्तार में थी आंधी कल, आंधी पानी दोनों साथ में ही भाई। और हमारे यहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप देख ही सकते हो, तो पता नहीं वॉइस कैसे मेरी आ रही है। पिछले ब्लॉग में भाई जब मैंने टेस्टिंग की थी तो वॉइस सही नहीं आ रही थी, हेलमेट चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि भाई इसमें या तो हेलमेट चेंज करना पड़ेगा या तो फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका, भाई विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। शो गाइस फाइनली आ गया अपना दोस्त, और राइडिंग जेयर वगैरह सारा कुछ पहन के आया, तो क्या हाल चाल है? क्या हुआ? ये स्टैंड का साला वो स्प्रिंग गिर गई। कोई नहीं, बांध के चलते ना, ये इसमें सेंसर है साला, ये जब तक ऊपर नहीं रहेगा ना। हाँ तो वही बात, नहीं पड़ेगा अभी, वही तो बोल रहे हैं ना, बांध के चलते हैं। सो भी भाई अपना मॉन्स्टर और भाई की राइडर लगी हुई है, और थोड़ी बहुत भी एक मिनट रुको, से अच्छे खासा निकला, पता नहीं क्या हो गया। सो गाइस जब भाई दो राइडर रहता है ना तो अलग फील आता है, और भाई की राइडर भाई मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि भाई जिस हिसाब से मॉडिफाई करवाया ना भाई ने, एक नंबर की लग रही है, और ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है, तो बस इतना ही करवाना चाहिए, वरना बाइक भी अच्छे खासे में और बेकार लग। ओह तेरी शिट मैन, देख रहे हो, और अच्छी खासी दिखने के बावजूद वो बेकार दिखने लगती है, और आवाज़ सुनो सुबह सुबह, क्या बात है। और चलते हैं फटाफट पेट्रोल फिलअप करवाते हैं। भाई बोल रहा है सुबह सुबह सब उठ जाएंगे भाई, और लाउड तो है, एक नंबर की लाउडिंग है। फिलहाल देख सकते हो दोनों बाइक लगी हैं, अपना मॉन्स्टर और राइडर, तो वीडियो बना रहे हैं। ये हम लोगों का चैनल है ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पर निकल चुके हैं, और राइडर देखो क्या ही लग रही है, और मौसम आज भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसा मौसम रहा तो भाई कहाँ से कहाँ निकल जाए हम लोग, कोई पता नहीं है भाई, क्योंकि भाई पता ही आपको मूड बन जा रहा है फिर क्या ही होता है। तो आज का मौसम भाई बहुत ही प्यारा है यार, ऐसा ही मौसम रहे तो मजा आ जाए राइडिंग करने में। और रोड से देखो यार, थोड़ी गीली है लेकिन उतनी गीली नहीं है भाई, अच्छी खासी हो रखी है, बढ़िया रोड। मतलब अभी चलेंगे और बातें करेंगे कुछ, तो प्लान कर रहे हैं भाई जाने का, कहाँ जाने का, वाटरफॉल के पास, मतलब कि वाटरफॉल जाना है, तो यहाँ से प्रयागराज से करीबन 60-80 किलोमीटर और आगे होगा, तो चलना का प्लान बन रहा है भाई काफ़ी दिनों से, बट प्लान थोड़ा कैंसिल हो जा रहा है किसी कारण से, तो वो आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो
आई होप कि वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। वॉइस का भाई बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि भाई मैंने माइक भी चेंज कर रखा है, मुझे हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भाई इसकी नेक की पैडिंग होती है ना भाई, पैडिंग बिल्कुल बेकार हो रखी है, तो इस कारण भाई वॉइस कैंसिलेशन उतनी खास नहीं हो पा रही है हमारे साथ। तो भाई अभी फैज़ल भाई अपने मतलब कि फुल मोड में है, और फैज़ल भाई का चैनल वगैरह सारा मैं अभी दिखा देता हूँ, बाइक पे लिखा हुआ है, और जाके सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप लोग। और अभी मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं थोड़ा बहुत, और कोशिश करूँगा कि ओए होए होए चलो मज़े लेते हैं, चलो मज़े ले लेंगे। और प्लान भाई अपना बन चुका है, तो 4 या 5 तारीख में निकल रहे हैं भाई वहाँ पे, क्या बोलते हैं, रीवा वाटरफॉल में, प्रयागराज के थोड़ा आगे है भाई। तो जैसा भी होगा सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, बस ब्लॉग में बने रहना। और भाई वो वाला ब्लॉग चाहिए वाटरफॉल वाला, तो भाई फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। तो फैज़ल भाई की आईडी पहले दिखा दे सबसे पहले, तो भाई ये कभी चेक कर सकते हो, फैज़ल ब्लॉग 6408 भाई, तो ये देख सकते हो बढ़िया भाई, और ये गोल्डन टाइप बढ़िया की है। कैसे हो भाई, मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है राइडिंग। तो भाई सबसे पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, तो राहुल भाई ने बताया था कि इनके बारे में, तो भाई पहली बार मिल रहे हैं मेरे से, और मैं भी भाई पहली बार मिल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर वगैरह सारा चीज़ है भाई। तो चलिए फटाफट से, और आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट कर देना, और साउंड चेक कर लो भाई। ओह गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड आ रहा है भाई, मतलब सुबह सुबह एक नंबर का साउंड आता है इसका। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए बाय।